हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरा टेम्पलेट। आप सभी का स्वागत है आप सभी के चैनल मेरा टेम्पलेट पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में पढ़ी लिया होगा कि सीजनेबल टॉपिक पे एंड्रॉयड ऐप बना के आप वायरल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए होता क्या है कि जब भी कोई सीजनेबल टॉपिक पे जब कोई एंड्रॉयड डेवलपर जब एक एप्लीकेशन बनाता है तो वो ऑटोमेटिकली सर्च इंजन में आ जाता है, ऑटोमेटिकली प्ले स्टोर पर। जब कोई बंदा कोई दूसरा एप्लीकेशन सर्च करता है एज कंपेयर सीजन के हिसाब से, तो आपका एप्लीकेशन जो है ऑन द स्पॉट या फिर आप कह लीजिए कि सर्च सिस्टम में आने लगता है। उससे क्या होता है, डाउनलोड्स अच्छे मिल जाते हैं, उससे यूजर्स अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, सबसे फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप लोगों को फायदा उठाना है एंड्रॉयड ऐप का, आपको सच में अर्निंग करनी है एप्लीकेशन से, तो आपको कभी भी सीजनेबल टॉपिक पे ऐप बनाना चाहिए, चूज करना चाहिए सीजनेबल टॉपिक, उससे आपका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि सीजनेबल टॉपिक, जैसे कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा नवरात्र पे लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस रखना चाहेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह नवरात्रि के रिगार्डिंग। तो आप लोग एक चीज कर सकते हैं कि आप लोग नवरात्रि के हिसाब से भी, जैसे व्हाट्सएप पे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है उसका, लोग तरह तरह के स्टेटस रख रहे हैं, तो आप उसका एक वीडियो स्टेटस ऐप बना सकते हैं, क्योंकि वो सीजनेबल टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद समझ के चलो जब नवरात्र खत्म हो जाएगा तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, क्योंकि वो सिर्फ एप्लीकेशन नवरात्रि तक ही नहीं चलेगा, अभी दशहरा आने वाला है, फिर दिवाली आने वाली है, तो आपको सिर्फ प्ले स्टोर का, जो जब प्ले स्टोर पे लाइव होता है तो वहां पे सिर्फ नेम चेंज करना है, पूरे एप्लीकेशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। समझो अगर आपने भी एक एप्लीकेशन बना लिया या फिर किसी एक डेवलपर से बनवा लिया, ठीक है, आपने भी सीजनेबल टॉपिक चूज किया, नवरात्रि रन कर रहे हैं, अभी नवरात्रि चल रहा है तो लोग उसके हिसाब से प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं, आपने नवरात्रि के हिसाब से टॉपिक रख दिया, टाइटल भी वही रखा अपने एप्लीकेशन का, वो आपने प्ले स्टोर पे लाइव कर दिया। ठीक है, लाइव होने के बाद ऑटोमेटिकली सर्च लिस्ट में आने लगेगा, वो ऑटोमेटिकली आपको यूजर मिलेंगे और वो डेली यूज भी करेंगे, वहां पे आपकी अर्निंग भी अच्छी खासी होगी। ठीक है, आप समझ के चलो कि नवरात्र खत्म हो गया, नवरात्र खत्म होते ही वहां पे दशहरा आने वाला है, तो आप दशहरा का वहां पे सिर्फ टाइटल चेंज करना है, एप्लीकेशन में कुछ चेंज नहीं करना है, आपको करना क्या है, सिर्फ टाइटल चेंज कर देना है। टाइटल चेंज करने से होगा ये कि आपका एप्लीकेशन दोबारा सर्च लिस्ट में आने लगेगा, क्योंकि दशहरा के सब स्टेटस वगैरह सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिकली दशहरा के जो सर्च, जब भी कोई बंदा सर्च करेगा दशहरा वीडियो स्टेटस वगैरह करके, आपका एप्लीकेशन वहां पे भी सर्च सिस्टम में आने लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आप चाहो तो दिवाली का भी रख सकते हो। समझ के चलो कि आपने नवरात्रि के आपके यूजर्स मिल गए, दशहरा के आपको यूजर्स मिल गए, अब क्या होगा कि नेक्स्ट अभी दिवाली आने वाला है, तो आप उनको नोटिफिकेशन के थ्रू भी अपडेट दे सकते हैं, या फिर आपको प्ले स्टोर पे सीधा वहां पे टाइटल डाल सकते हैं कि दिवाली वीडियो स्टेटस 2019 ऐसा करके। तो उससे क्या होगा कि आपके जो दिवाली के यूजर्स होंगे, जो सर्च करते होंगे, वो भी सर्च सिस्टम में आने लगेंगे। ठीक, मतलब वो लोग भी जब सर्च करेंगे तो आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर सर्च सिस्टम में आएगा, वहां से आपको और भी अच्छे खासे यूजर्स मिल जाएंगे। अब जब इतने सारे यूजर्स मिल जाएंगे तो जब ये फेस्टिवल्स खत्म हो जाएंगे तो उनको आप डेली नोटिफिकेशन भेज के कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक पे उनको एक्टिव रख सकते हो आप। ठीक है, एक्टिव आप उन्हें रखोगे, अर्निंग आपकी अच्छी खासी होगी, क्योंकि अगर एक्टिव है, आपको भी पता है अर्निंग तभी बनती है जब यूजर्स एक्टिव रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस जो मैंने आपको टिक बताई, आपको जो मैंने टिप बताई है कि बहुत अच्छी, यू नो, आप अगर अर्निंग करना चाहते हैं ऑनलाइन एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर, तो इसका फायदा जरूर उठाइए। मैं जानता हूँ फ्रेंड्स कि ऑफर्स आजकल सभी देते हैं और आप सभी की नीड है ये, तो मैंने भी, यू नो, हमारे टीम ने डिसाइड किया एंड नवरात्र पे हमने भी बहुत अच्छा स्पेशल ऑफर रखा है आप सभी के लिए। अगर आप लोग अभी सीजनेबल टॉपिक पे कोई भी एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं तो आपको हमारी तरफ से सीधा 50% का छूट मिलेगा, यानी कि 50% तक हम आपको डिस्काउंट देंगे, आप कोई भी एंड्रॉयड ऐप बनाइए सीजनेबल टॉपिक पे होगा। तो मेनली सीजनेबल टॉपिक पे एंड्रॉयड ऐप बनते हैं, जैसे वीडियो स्टेटस के ऐप या फिर वीडियो ऐप नॉर्मली, या फिर आप कह लीजिए कि रिवॉर्डेड शेयर एंड अर्न वाले, या फिर उसके लिंक भी बनते हैं जिसपे अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है गूगल ऐड के थ्रू। तो अगर आप उस पे बनाते हैं तो आपको हमारी, यू नो, मेरा टेम्पलेट के थ्रू आपको 50% डिस्काउंट मिल सकता है। तो इस जो मैंने आपको जो टिप बताई, आपको जो मैंने डिस्काउंट दिया, इसका फायदा जरूर उठाओ फ्रेंड्स, सभी उठा रहे हैं, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने स्टेटस पे भी डाला था, तो काफी लोगों ने बनवाया, मैंने सोचा कि चैनल पे आके बता भी दूं कि जो क्योंकि जो इंटरेस्टेड होंगे, जो इस चीज का वेट कर रहे होंगे कभी ऑफर आए हम लोग भी बनवाएं, तो आप लोग बनवा सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स मेरा उत्साह इसी तरह बढ़ाने के लिए, ताकि मैं डेली आपको वीडियोस दे सकूं, मुझे मोटिवेट करने के लिए, आप मेरे वीडियोस को जिस तरह पसंद करते हैं उसी तरह इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपको जरूरत ना हो, आपके फ्रेंड्स को जरूरत हो एप्लीकेशन की, हो सकता है वो फाइंड करते हो नवरात्रि की वीडियो स्टेटस, तो शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।